जी गुरु जी, यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 21। ओम आसुते सिंचित श्रियम रोदस्यो अभिश्रियम रसादधीतपशुम तं प्रत्नथा अयम वेनः। मंत्रार्थ, आसुते आसुत में, सृजन ऐश्वर्य में, श्रियम श्रेय को, रोदस्यो रुदनशील के, अभिश्रियम अभिश्री को सिंचित सिंचन करो। अयम यह रसा रसयुक्त, वेनह विद्वान कांतिमान, प्रत्नथा पूर्व की भांति हम उस वृषभम पराक्रमी वर्षा करने वाले को दधीत धारण करें। भावार्थ, श्री धातु का मुख्य अर्थ सेवा करना है। सेवा भावना वैदिक संस्कृति में अति महत्वपूर्ण है। सेवा से ही किसी व्यक्ति की शोभा होती है, अतः श्री का अर्थ शोभा संपदा सम्मान भी माना जाता है। हम सभी श्री चाहते हैं। यहाँ कहा गया है कि सर्वत्र श्री का सिंचन करो, तभी तो सभी को श्री की उपलब्धि हो सकेगी। निरुक्त आ उपसर्ग सुते सुधातु उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना, श्रियम में श्री धातु सेवा करना आश्रय होना श्रेय होना, रोदस्यों में रुद्र धातु रोना रुलाना, अभिश्रियम में अभि उपसर्ग श्री धातु सेवा करना आश्रय होना श्रेय होना, सिंचत सिंच धातु सिंचन करना, रस धातु स्वाद लेना शब्द करना स्नेह होना, वेनह में वेन धातु मिलाना अलग करना रक्षा करना जाना समझना जानना स्मरण विचार करना, प्रथमथा में प्रथ धातु विस्तार होना प्रसिद्ध होना, वृषभम वृष धातु बरसना सींचना पराक्रमी होना, दधी में दध धा धातु धारण करना। ओम खम्रम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 21। ओम आसुते सिंचत श्रियम रोदस्यो अभिश्रियम रसादधीते वृषभम तं प्रत्नथा अयम वेनः। इस मंत्र में मुझे एक विशेष बात दिख रही है, मैं आपका भी ध्यान दिला दूं, समझ सकें, देखें, जान दे। ऐसा प्रतीत हो रहा है यह मंत्र मूलतः गायत्री है। मूलतः गायत्री है हम क्यों कह रहे हैं, यह मंत्र मूलतः तीन चरणों में है। आसुते सिंचत श्रियम एक, रोदस्यो अभिश्रियम दो, पूर्ण विराम हो गया। रसादधीत वृषभम यहां भी पूर्ण विराम हो गया, और इस पूर्ण विराम के साथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये एक छंद यहाँ पूर्ण होता है। गायत्री छंद, त्रिपदा गायत्री 24 वर्णों का छंद पूर्ण होता है। इसके पश्चात तम प्रत्नथा अयम वेनः, यह एक पद अवश्य इसमें अतिरिक्त है। इससे संपूर्ण मंत्र को यदि हम देखेंगे तो ये अनुष्टुप हो जाएगा। वैदिक छंद व्यवस्था को थोड़ा सा एक रुचिकर ही रुच की दृष्टि से थोड़ा रोचकता के लिए ही इसको समझते चलें। ये तीसरे चरण में पूर्ण विराम है, ये एक प्रकार से यहां पर एक छंद के पूर्ति की सूचना दे रहा है, अन्यथा पूर्ण विराम नहीं होता। परंपरागत संहिता पाठ में तो विराम नहीं लगता, पूर्ण विराम लगता है, ये स्पष्ट कर दूं, कोई भ्रम ना हो। जो परंपरागत संहिता पाठ है उसमें केवल और केवल पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम आदि नहीं होता। हमने छंद की दृष्टि से जहां चरण की पूर्ति हो रही है, जैसे त्रिपदा गायत्री में तीन चरण हैं, तो हमने अल्प विराम लगाकर स्पष्ट किया कि यहां पर एक चरण पूर्ण होता है, और पूर्ण विराम संहिता पाठ में होते हैं। तो जहां हमने पूर्ण विराम लगाया है, इसको तो मान लें कि जो
परंपरागत मूल संहिता पाठ है उसमें पूर्ण विराम यहाँ होगा तभी हमने लगाया, तो उससे ये हमने पूर्ण विराम लिया, अन्यथा संपूर्ण छंद तो अनुष्टुप के रूप में यदि माना जाता तो यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं होता, हम अल्प विराम लगा देते, अनुष्टुप छंद होता तो यहाँ अल्प विराम लगता, फिर तीन चरण में पूर्ण विराम नहीं लगता। तो परंपरागत संहिता पाठ में यहाँ पर पूर्ण विराम है तो एक छंद के समाप्त की सूचना दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने यहाँ गायत्री छंद की पूर्ति मानी है, पुनः एक चरण इसमें माना गया है। अब उसके पीछे क्या भाव है, क्या विचार रहा होगा, ये तो वे महामनीषी ही कह सकते हैं, हम लोगों को उस पर कोई अपना मत व्यक्त करने का भी मुझे लगता है नैतिक अधिकार नहीं है। हमने ये बात केवल इसलिए की कि आप सब जो अभी नवयुवक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ रुचि उत्पन्न हो, कुछ ऐसी विशेष बातें आती हैं, एक रोचकता भी उत्पन्न हो, आपकी रुचि जगे कि वेद को हमें इस प्रकार से रुचि लेकर पढ़ना समझना चाहिए। ये सब बातें हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ विशेष संकेत करती हैं, कुछ रुचि जगाती हैं। आइए देखते हैं आसुते, आसुत में सम्यक समन्तात् सृजन में ऐश्वर्य में सुधातु, सृजन होना ऐश्वर्य होना, तो ता प्रत्यय लगता है, गत आगत विगत, कृत क्री धातु में ता लगा तो कृत हो गया, किया हुआ, तो उसी प्रकार से है ये सुत सम्यक समन्तात् सृजन ऐश्वर्य में श्रियम, श्रेय को श्रेय को श्री को किसी भी रूप में लें, वेद में पद श्री आया है, लोक व्यवहार में श्री शब्द का उतना प्रचलन इस समय नहीं है, वर्तमान भाषा में हम लोग श्री श्रेय श्रेय जैसे पद प्रयोग कर रहे हैं। मान लें कि वही धातु है, वही शब्द है, इतना परिवर्तन या कहें कि महत्व उस समय वेद में श्रीयम शब्द का प्रयोग हुआ, इस समय हम श्रेयम कहते या श्री कहते श्रेय कहते, तो अर्थ वही है, हमारा कहने का भाव यही है कि अर्थ इसका वही ग्रहण किया जाएगा, श्रीयम श्रेय को श्री को। रोदस्यो रुदनशील के रोदस्यो षष्ठी एक वचन है, पंचमी एक वचन भी हो सकता है, दोनों की विभक्तियां बहुधा एक समान होती हैं। रुद धातु है रुदन करना, उससे रोदस्यो रुदनशील के अर्थ हमने किया है, कुछ लोग कुछ रूढ़ मान्यताओं के कारण कुछ दूसरे अर्थ भी कर सकते हैं, तो धातु अर्थ यही है रुदनशील के, रुदनशील का भावार्थ आप कर सकते हैं करुणाशील, हमारे आपके दूसरों के दुख कष्ट में रोने वाला, हमारे साथ सहानुभूत रखने वाला, हमारे दुख में दुखी होने वाला, तो शब्द सार्थ तो यही है रुदनशील। अभिश्रियम अभिश्री को अभिश्रेय को, जो ऐसा रुदनशील भावनाशील है, हम हमारे आपके दुख में दुखी होने वाला सहानुभूत रखने वाला है, उसको अभिश्री प्राप्त होगी, ये हम मानते हैं, ये भावना है, इसका ये अर्थ भी ले सकते हैं कि हम में भी यदि ये करुणा सहानुभूत का भाव हो तो हमें भी अभिश्री प्राप्त होगी। कहते हैं आगे कह रहे हैं सिंचत सिंचन करो, इस भाव को इस भावनाशीलता को इस करुणाशीलता को इस अभिश्री को, यही तो हमारा श्रेय है, यही हमारी श्री संपदा है, इसका अभिसिंचन करो। रुदनशील के श्रेय को
अब स्त्री को अभिसिंचित करो और लोगों में भी इसका प्रसार विस्तार करो और लोगों को भी इस भाव से अभिसिंचित करें, आप्लावित करें। ये भाव है रसादधीत वृषभम, रसा रस दधीत धारण करें वृषभम, वृषभ को। वृषभ वृष धातु के दो अर्थ सामान्यता दोनों अर्थ हमें जानने चाहिए, प्रत्येक शब्द में कहां क्या अधिक उपयुक्त है ये विवेक से विचार करें। वृष धातु से वर्षा स्पष्ट है, जैसा कि अभी कल चर्चा हुई कि कुछ शब्दों में जो थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब देखिए धातु वृष है, इससे वर्षा शब्द बना, वर्षण शब्द बना, वृष धातु है, ये स्वर है, इसका अर हुआ, वर्षा बना, इसे क्री से कर्म बना, वहां भी यही प्रयोग हुआ। तो इस वृष धातु का एक अर्थ तो वर्षा करना, वर्षा होना है, इसका एक अर्थ पराक्रम करना भी। तो वृषभ हम पराक्रमी को भी कहते हैं और वर्षा करने वाले को भी कहते हैं। जो पराक्रमी है वही समाज में सुख समृद्धि सुव्यवस्था की वर्षा कर सकता है, ऐसा भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। दोनों ही अर्थ सामान्यता ग्रहण किए जाते हैं। परमेश्वर का गुणवाची नाम भी वृषभ ग्रहण किया जाता है, वेद में वृषभ से हम परमेश्वर को भी संबोधित करते हैं और उसके उपासक इन गुणों से संपन्न दिव्यजन सज्जन विद्वान देवजनों को भी वृषभ से संबोधित करते हैं, कहते हैं इस वृषभ को, इस वर्षा को, इस पराक्रम को, इस रस को दधीत धारण करें। तम उसको, अब ये तम उसको किसको कहा, श्रियम अभिश्रियम रसा प्रसभम, इन सब गुणों को प्रत्न था प्रत्न पूर्वक, प्रत्न का अर्थ पूर्व भी है, पहले जैसा हुआ, इसे सर्वनाम या व्यय किसी रूप में मान लें, था प्रत्यय लग गया, जैसे यथा तथा सर्वथा इस सब में था प्रत्यय लगा तो उसका अर्थ हुआ उस तरह से, उस प्रकार से, सर्वथा सब प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, तथा उस प्रकार से, अन्यथा अन्य प्रकार से, ये था प्रत्यय लगा, जिसमें लगा प्रश्न था पूर्व के भात, पूर्व के प्रकार से, पूर्व के जैसे, जैसे पहले हुआ था वैसे ही, तम प्रयत्न था उसको पहले की भांति, पूर्व की भांति, अयम यह वेना, वेन, अब वेन शब्द का अर्थ विद्वान कांतिमान, तो ये जो कांतिमान विद्वान है वे पहले की भांति इन सारे गुणों को धारण करे, अभिसिंचित करे, ये भाव इस मंत्र का हम ग्रहण करते हैं। इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है, आगे हम लोग जो भी विचार हो चर्चा कर सकते हैं, जो भी प्रश्न हो विचार हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी क्या अभी इस देश में वैदिक विद्वानों की बहुत कमी है? निश्चित रूप से वैदिक विद्वान दुर्लभ हैं। हम आप लोग जो जुड़े हैं बहुत विनम्रता से हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि देश के जो गिने चुने वैदिक विद्वान हैं उनमें आप भी हैं। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि स्थिति यह है कि वेद के विषय में लोगों को जानकारी ही नहीं है,
वेद का लोगों ने नाम सुना है कि हाँ वेद कुछ होता है, इसके आगे नहीं जानते। लोगों ने बहुत चर्चा करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ये मंत्र भी वेद में है, इसको हम लोग कहीं हवन पूजन में पढ़ते हैं। ये बात भी जब आपसे चर्चा होगी वे उत्तर नहीं दे सकेंगे तो बहुत जगह से खोजबीन करके तब वो आपसे ये कह पाएंगे ये तथाकथित गायत्री मंत्र या कोई और मंत्र हवन पूजन में कहीं, भाई देखो ये मंत्र हम लोग पढ़ते बोलते तो है, ये तो वेद में ही ना, ये भी तो वेद का मंत्र है, उन्होंने वेद नहीं देखा है। आपसे चर्चा हुई तो कहीं यहाँ वहां खोजा उन्होंने तो इतना मिला और हम माना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वेद से हम लोग भी जुड़े हैं, वेद से परिचित हैं। बस वेद से परिचय इतना जिनका है वो भी वेद के बड़े विद्वान है, ये स्थिति है। जिन्होंने वास्तव में वेद या वेद का कोई अंश विधिवत कोई वेद का अध्याय पढ़ने का प्रयास किया हो ऐसे लोग भी बहुत दुर्लभ हैं, ये सत्य है। अतः वे बहुत मूल्यवान हैं, उन सबका सम्मान करें, संरक्षण करें। अन्य बातों पर कितना भी मतभेद हो केवल इसलिए उनका सम्मान करें कि वेद के विद्वान बहुत दुर्लभ हैं, वे वेद की बात करते हैं, यही बहुत है, इसीलिए हमारे लिए परम पूज्य हैं। शेष में हमारे सभी बातों का विरोध करते हो तो करते रहें, फिर भी हम उनका सम्मान करेंगे, हमारा ये मानना है। ओम। पंडित जी कुछ कह रहे हैं बताएं। हाँ स्वामी जी नमस्ते, ये जो वीणा शब्द है इसको कैसे लिया जाए, अयम वेना जो अंत में आया है। देखिए ये वेन धातु है, वेन धातु यथावत उपलब्ध है। वेन धातु का अर्थ है मिलाना, अलग करना, रक्षा करना, जाना चलना कह लीजिए, समझना, जानना, स्मरण करना, विचार करना, बहुअर्थी धातु है। बहुत से उत्तम अर्थ इस धातु के हैं, यहाँ जितने लिखे हैं मैंने पढ़ दिए। मुझे स्मरण होता है कि इससे भी अधिक अर्थ इस शब्द के हो सकते हैं संभवतः। तो ये बहुअर्थी और महत्वपूर्ण धातु है वेन। तो वेना जब हम कहते हैं तो उसमें ये सभी गुण, ये सभी अर्थ समाहित हो जाते हैं। इसको इस रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए, विचारशील, विद्वान, स्मरण शक्ति युक्त, समझदार, प्रगतिशील, रक्षक, मिलाने अलग करने वाला कह सकते हैं, जहां मिलाने की आवश्यकता है, सद्गुणों से मिलाने वाला, दुर्गुणों से अलग करने वाला, आदि आदि। जैसे देव शब्द है द्यु धातु से बनता है, द्यु धातु के भी अनेक अर्थ हैं। तो ऐसे वेद में बहुत से शब्द हैं जो बहुत से उत्तम गुणों को समाहित किए हुए हैं, उन सभी गुणों को ग्रहण करते हुए हम अर्थ करते हैं। ओम। तो हरि जी, नंदन जी जो भी कहना चाहते हैं बताइए। ओम। स्वामी जी नमस्ते, मेरे पास दयानंद संस्थान वालों का भी भाष्य है, तो उसमें मंत्र का यही रूप है जो आपने दिया हुआ है अपने वेद भाष्य में। लेकिन स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने जो संहिता लिखी है ये विजय कुमार गोविंद राम हासानंद जी के यहाँ से, उन्होंने मंत्र में इतना ही लिया है जो गायत्री का शुद्ध स्वरूप है 24 अक्षर वाला, और उन्होंने रसाधीत ब्रसम में मंत्र को समाप्त कर रखा है, चौथा चरण नहीं ले रखा इन्होंने संहिता में स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने। लेकिन दयानंद संस्थान का जो भाष्य है उसमें मंत्र के चारों चरण आ रखे हैं, उसी हिसाब से उन्होंने अर्थ कर रखा है। जी, तो हमारा निवेदन यही है कि हमने स्वामी दयानंद जी के मूल वेद पाठ को यथावत स्वीकार किया है। जो कहें जो आर समाज से इतर अन्य विद्वान हैं जिनका भाष्य आर समाज की परंपरा से हटकर है, बहुत कुछ सायण आदि से प्रभावित है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने सायण के भाष्य के अनुसार अपना भाष्य किया है,
उन्होंने भी ये लिखा है, स्वीकार किया है कि जो दयानंद का वेद पाठ है वही सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। इसको माना गया है कि सबसे पहले जो वेद पाठ शुद्ध रूप में संहिता प्रकाशित की गई, विशेष रूप से कहा गया कि अजमेर यंत्रालय से, वैदिक यंत्रालय अजमेर से जो संहिताएं प्रकाशित हुई वह शुद्ध संहिता है, उसका पाठ सर्व शुद्ध माना गया है, तो स्वाभाविक है हम लोग उसी पाठ को प्रामाणिक मानकर स्वीकार कर रहे हैं। हमारे समर्थक क्या हम कहें, एक प्रकार से प्रतिपक्षी विपक्षी हमसे अलग भी हैं, वो भी इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हमने उसी पाठ को माना है। अर्थ करने में यह प्रयास अवश्य किया है कि सभी शब्दों का धातु अर्थ स्पष्ट कर दें, हो सकता है उसमें कुछ लोगों को भ्रम हो कि हमारा और वो अर्थ कुछ अलग जा रहा हो, मूलतः अलग नहीं है, पर धातु को स्पष्ट कर दिया है, वहां कहीं शब्दार्थ स्पष्ट नहीं किया गया होगा, भावार्थ ले लिया गया होगा, तो हो सकता है कुछ अलग प्रतीत हो, वास्तव में अलग है नहीं। ओम जी स्वामी जी। स्वामी जी ये वेन धातु और विद धातु का जो उसको बोलते हैं वो एक ही है क्या? विद धातु तो बिल्कुल अलग है, विद का अर्थ है जानना, उससे बना वेद, वेन तो नहीं बना, वेन अलग है, वो वेन धातु से बना, तो विद और वेन मतलब हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये स्पष्ट है। अच्छा मतलब वेन जो है वेद धातु एक अलग है, विद के अलावा भी। विद धातु है, विद धातु से वेद बनता है, वेद शब्द जो बना है वो विद धातु से बना है, विद जानना, और ये वेन धातु है, उसमें दा है इसमें ना है, तो अच्छा अच्छा विन विन नहीं वेन धातु, ऐसा नहीं कि विन ही हो, वेन धातु भी हो सकती है, वेद धातु भी संभवता है, देव धातु भी संभवता होती है, देव धातु से बनता है, परंतु देव धातु भी होती है, परंतु सभी विद्वान इस बात पर लगभग सहमत हैं कि ये जो देव शब्द बन रहा है वो सामान्यतः उस अर्थ में जिस अर्थ में हम देव कहते हैं वो द्यु धातु से बनता है, देव धातु से नहीं, कहीं कहीं कोई शब्द देव धातु से बना हुआ मिल सकता है, धातु तो होती है, परंतु देव शब्द सामान्यतः द्यु धातु से निष्पन्न माना जाता है, देव धातु से नहीं, व्याकरण से द्यु धातु से भी देव शब्द बन सकता है, और देव धातु है वो तो हो ही सकती है, जैसे यहाँ पर वेन धातु है, जब वेन धातु है तो वेन शब्द तो बन ही गया, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बिन धातु जैसा कुछ अभी तो मुझे नहीं स्मरण में है, यदि होता होगा तो होता होगा, पूछना पड़ेगा और उसमें देखेंगे तो पता चल जाएगा है कि नहीं जी। ठीक, धन्यवाद। और जो आपने एक पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वेद का स्मरण करने में लोग कहीं से ढूंढ लेते, तो वास्तव में जो गायत्री मंत्र प्रचारित हुआ है आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा वो तो घोषित ही हो गया कि वेद मंत्र है, लेकिन बाकी जब कभी भी वेद के मंत्रों की चर्चा करते हैं कहीं भी होती है तो अपना क्या बोलते हैं एक प्रभाव देने के लिए, अपनी बात को वजन देने के लिए ज्यादातर कथावाचक या ब्राह्मण गण जो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तिलकधारी जनेऊधारी मंदिरों के पुजारी, वो उसको बोल देते हैं भाई ये तो वेद का ही है, हम अपना थोड़ी कह रहे हैं, वास्तव में वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वेद के जानने वाले एक तो कम है, दूसरे वेद के पढ़ने वाले उनसे भी कम है। धन्यवाद। गुरु जी गायत्री मंत्र तो वेद में ही है, बोलो मंत्र तो वेद में ही है, जो जिसको मतलब मंत्र को गायत्री कह के बोला जाता है वो तो वेद का ही मंत्र है होने को, तो जी ऐसा
जैसे किसी ने चर्चा की तो मैंने कहा वेद में हजारों गायत्री मंत्र हैं, तो वो चौंके। जब उन्होंने बहुत खोजबीन की तब उनको समझ में आया है गायत्री होता क्या है। भाई गायत्री एक छंद है और वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री ही हैं, सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में हैं, तो हम कह सकते हैं वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री हैं। अब उनमें से किसी एक मंत्र को यदि आपने अपना लिया है तो आप जाने। मैंने कहा वेद में हजारों गायत्री मंत्र हैं, उसमें आपका परिचित मंत्र भी हो सकता है, किस एक मंत्र को आप जानते हैं उसे गायत्री कहते हैं वह भी हो सकता है, वेद में तो हजारों गायत्री मंत्र हैं। तो कभी कभी इस तरह की बातें हम लोग कर देते हैं और आपको भी करना चाहिए, सामने वाले को कुछ खोज की प्रेरणा मिलती है। अब तक वो एक ही मंत्र गायत्री के नाम से जप रहा था, आज उसको पता चला अच्छा तो वेद में हजारों गायत्री मंत्र हैं। अब वो कहीं ना कहीं खोजेगा, तो चाहे लोगों से मिलकर के खोजे या गूगल पर ही खोजे, तो उसको कुछ तो जानकारी मिलेगी गायत्री क्या है वेद क्या है। तो कभी कभी इस प्रकार के संवाद भी उपयोगी हैं, हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए, तो निश्चित रूप से है। अब ओम भूर्भुवस्वः जब लगा देते हैं तो वो गायत्री नहीं रह जाता, ये भी है। गायत्री तो तत्सत्तरवर्णियम से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि 24 वर्ण हमें गिनने हैं। भूर्भुवस्वः जुड़ जाएगा तब तो वो उसमें मंत्र हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब ये भी आपको जानना है, कहीं लोगों से चर्चा में उपयोगी होगा, किसी ने कहा भाई ये गायत्री मंत्र है, आप कह दीजिए ये तो गायत्री मंत्र है ही नहीं। अब वो चौंकेगा, खोजेगा कि भाई ये कैसे आप कह रहे हो गायत्री मंत्र नहीं है, भाई गायत्री में तो 24 वर्ण होते हैं, इसमें गिनो कितने हैं, तो वो तो 24 से बहुत अधिक हैं, तो फिर गायत्री नहीं हो सकता है। तो लोगों को इस तरह से कुछ नया जानने खोजने की प्रेरणा मिलती है, तो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, और इस प्रकार से लोगों को कुछ और जानने की प्रेरणा मिले, अच्छी बात है। ओम। तो समय हो गया है, समापन कर सकते हैं, और कोई विशेष बात ना हो तो, हाँ कोई विशेष प्रश्न हो तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं, अन्यथा समापन करें कुलदीप जी। ओम। जी किसी का प्रश्न तो अभी भी पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर समापन कर ही रहे हैं। स्वामी जी, ये जो वर्तमान में जितना भी वेद प्रचार हो रहा है, ये अधिकांशतः आर्य समाज के आसपास के लोगों द्वारा ही हो रहा है ना? निश्चित रूप से जब भी बात होती है मैं यही कहता हूं कि भैया भले ही हमारे समाज के औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि यदि यार समाज ने इतना कार्य न किया होता तो वेद हम तक पहुंचता ही नहीं, आप तक हम कैसे पहुंचाते। तो वेद के प्रचार के लिए तो हमारे समाज की रड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी वेद प्रचार हो रहा है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसे यार समाज का ही कार्य माने, यार समाज को ही उसका श्रेय है। हम भी जो कुछ कर रहे हैं उसका श्रेय यार समाज को है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। गोकुल जी आगे बढ़ें। जी तो फिर समापन ही करते हैं। जी ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खंबम। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो अस्तो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म
ओम खम ब्रह्म, सबको सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम कल सायंकाल 7:30 बजे श्वेत कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।